बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए MP5 पिस्टल लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये PUF का बना हुआ है और ये पिस्टल कम राइफ़ल आप इसे कह सकते हैं। ये इसके अंदर अभी 20 राउंड्स की मैगज़ीन लगी हुई है और इसके अंदर 40 राउंड्स और 60 राउंड तक की मैगज़ीन आती है। दोस्तों सबसे पहले इसका बट स्टॉक खोल लेते हैं। ये इसका कैच है, जिस कैच को इधर घुमाएंगे और ये खुल जाएगा। सबसे पहले इसका चैम्बर चेक कर लेते हैं और इसका चैम्बर चेक करना बहुत इजी है। ये लीवर खींचा और ये इसको ऊपर की तरफ कर दिया और ये बोल्ट स्लाइड इधर रुक गई है। देखिए बोल्ट की जगह खाली होगी और हम अपने आराम से इसकी बैरल को, चैम्बर को चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर बुलेट तो नहीं है। और जब इसको काक करना हो मैगजीन लगा के, इसको सिर्फ इसको ये हाथ इधर मारना है और ये लोड हो गया, काक हो गया। तो दोस्तों इसका बहुत अच्छा राइफ़ल का इसका लुक दे रहा है ये 9mm का पिस्टल। और इसका जो रियर साइड है इसकी, ये बहुत आला है कि इसको आपने अप डाउन नहीं करना पड़ता, बल्कि इसको जहाँ पे आपको एडजस्ट करना है इसको आपने घुमा देना है और आपका एम जितना भी डिस्टेंस पे आपने करना है वहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसकी ये देखिए, इसकी जो फ्रंट टिप है ये देखिए इतनी खूबसूरत और बिल्कुल राइफ़ल की तरह, कि जिसके अंदर आपका एम कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। और इसको सबसे पहले इसको डिसमेंटल करते हैं, लेकिन इसके अंदर सिलिंग डालने के लिए, पट्टा डालने के लिए, लटकाने के लिए इन्होंने एक ये हुक बनाई है और एक ये अगली तरफ है। तो सबसे पहले इसकी, इसमें खोलने के लिए बड़ा इजी है। इसमें तीन पिन्स हैं, 1, 2 और 3। ये तीन पिन हैं, तीन पिन के ऊपर ये पूरा पिस्टल फिट हुआ हुआ है। सबसे पहले हमने इसकी बैक वाली पिन निकालते हैं और ये टाइट है बहुत ज़्यादा। मैं आपको सिर्फ ये इस तरह कर लेता हूँ, इस पिन को भी निकाल लेता हूँ उस साइड पे, तो ताकि ये मैंने इसकी ये पिन, ये बड़ी पिन है जो बैक साइड पे है। और इस पिन के अंदर इनकी जो तीनों पिन हैं, तीनों पिन्स के अंदर ये देखिए, ये आपको एक लॉक नज़र आएगा। ये पिन फ्री नहीं होती, जैसे ही पिन लगाएंगे तो ये लॉक बाहर निकल आता है और जिससे ये अपनी जगह पे ये फिट हो जाता है। और ये भी हम निकाल लेते हैं जी, ये इसको भी ऊपर की तरफ ये पिन भी इसकी निकल आई, लॉक इसके अंदर भी मौजूद है। और इसको अब इसका जो बैक का जो इसका फोल्डिंग है, फोल्डिंग वाला हिस्सा पिन निकाल ली है, तो हमने इसको आराम से ये किया और इसका फोल्डिंग वाला हिस्सा बाहर आ गया। अब दोस्तों पिन निकली हुई है यहाँ की भी और यहाँ की भी। अब यहाँ से आराम से हम करेंगे तो ये इसका फ्रेम अलहदा हो गया। और दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, इसके अंदर सिर्फ हैम्बर लगा हुआ है और हैम्बर स्प्रिंग है और सेफ्टी है, ट्रिगर है, और ये जो है ये इसका इजेक्टर है। ये चार चीज़ें इसके फ्रेम के अंदर, टोटल चार चीज़ें हैं। आगे चलते हैं इसका, सबसे पहले इसका ये देखिए, ये इसका रिकॉइल स्प्रिंग है, रॉड है, और ये इसका बोल्ट है। दोस्तों ये बोल्ट है और इसके अंदर, जैसे कि हर बोल्ट के अंदर फायर पिन, इसकी फायर पिन ये लगी हुई है। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अच्छा फायर करता है। ये इन्होंने अपने कोई किसी हिसाब से इतना स्प्रिंग डाला हो, वरना आम पिस्टल्स के अंदर इतना हार्ड स्प्रिंग होता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों ये
बोर्ड के अंदर, ये देखिए, ये आपको मैं इधर करता हूँ तो इसके अंदर ये रोलर बाहर आ गया है, अगर दूसरी तरफ करता हूँ तो ये रोलर इधर से भी बाहर आ गया है। लेकिन जब ये का करते हैं, बॉडी के अंदर ये बोल्ट बैठता है, तो ये रोलर दोनों तरफ से इक्वल बाहर निकलते हैं। ये देखिए, ये अब अंदर नहीं जा रहा, इसको मैंने हाथ रखा है और ये भी अंदर नहीं जा रहा। ये बोल्ट को बॉडी के अंदर लॉक करता है फायर के लिए, रेडी करने के लिए। और इसका जो रिकॉइल स्प्रिंग है, इसके अंदर इन्होंने ये अंदर इसकी बाकायदा ये बुश लगाया हुआ है ताकि इसका ये स्प्रिंग बाहर ना निकल सके और गुम ना हो सके। दोस्तों, ये जो बोल्ट है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये इसलिए इन्होंने लगाया है कि जब आप इस राड को पीछे करते हैं तो ये राड पीछे होता है तो ये यहाँ पे इसको प्रेस करता है, इस हिस्से को प्रेस करता है तो पूरा बोल्ट पीछे की तरफ जाता है। और पीछे से जब ये काक हो जाता है तो ये रिकॉइल स्प्रिंग जो ये इस तरीके से ये क्लोज होता है पीछे की तरफ, तो ये फिर जब दोबारा रीलोड करता है। ये हर पिस्टल, हर राइफल में ये चीज़ मौजूद होती है। तीसरी पिन निकाल लेते हैं जी, इसका हैंड गार्ड उतारने के लिए, ये थोड़ी लूज़ है चले, तो ये इसका हैंड गार्ड है और बड़ा अच्छा हैंड गार्ड है कि हाथ रखने के लिए बहुत ही खूबसूरत, और हाथ इसके ऊपर बैठ जाता है। और इसकी बैरल लेंथ तकरीबन 10 इंच है। और ये देखिए, इसका अगर आपको बैरल मेरा कैमरा दिखा सके अंदर से, इसकी फिनिश बिल्कुल पॉलिश्ड, इसकी ग्रूव्स हैं पॉलिश्ड, इसकी बैरल है, बहुत अच्छे ग्रूव्स इसके अंदर हैं और यकीनन इसकी रेंज भी ज़्यादा होगी। मैंने ये फायर नहीं किया इसलिए इसके मतलब मैं आपको सही एग्जैक्ट नहीं बता सकूँगा, मे बी ये 100 मीटर पे ये हिट करता होगा जितनी इसकी बैरल और इसके ग्रूव को देखते हुए। और दोस्तों, ये सारी चादर है वो बहुत हार्ड चादर है, ये गिरने से ये ना टेढ़ी हो सकती है, पायदारी में बहुत आला है। और इसको दोबारा अगर आप फिट करेंगे तो दोस्तों देखिए, ये इन्होंने जो कर्व इसके अंदर ये डाला है, ये बाकायदा पूरी ड्राइंग के हिसाब से डाला है। ये आप अगर हम इसके बोल्ट डालते हैं, ये देखिए, ये बोल्ट अपनी जगह पे ये जा रहा है, ये इसको हम कर लेते हैं जी और इसको दोबारा फिट करते हैं। फिट करने के लिए हम इसके हैम्बर को काक कर लेते हैं ताकि हमारा वेपन इजीली वो हो जाए, संभल हो जाए जी। अब ये देखिए, ये होल बराबर आ गया, ये होल बराबर आ गया, तो हम सबसे पहले इसकी ये पिन लगा देते हैं ताकि ये पिन लगा दी हमने। और उसके बाद हमने, अच्छा दोस्तों, फिट करते हुए आपने ये देखिए, ये खुल रहा है क्योंकि पिन नहीं लगी हुई। तो जब भी आपने इसको फिट करना है तो बकायदा यहाँ पे इसको नीचे रख लें और इसको ऊपर से प्रेस करके रखें और इसका जो ये हिस्सा है ये आराम से आपने ये इसको थोड़ा सा ये करेंगे क्योंकि ये अभी नया पिस्टल है। ये इसका सामने आ गया जी, तो हम सबसे पहले ये पिन लगा दीजिए। अब हम इसको ये चेक कर सकते हैं कि ये सही अपनी जगह पे असेंबल्ड हुआ है कि नहीं हुआ। अब हमने इसका हैंड गार्ड लगाना है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी हैंड गार्ड लगाएं तो ये हैंड गार्ड इसलिए कि यहाँ से इसकी इतना वाया नहीं है, जगह नहीं है और ये जगह इसकी मोटी है, तो आपका ये इस तरह कभी भी नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा ज़ोर देंगे तो ये टूट सकता है, ये पॉलीमर का है। आपने यहाँ से आराम से इसको बिठाना है और इसको आगे बिठा देना है और उसके बाद इसकी
ये पिन जो है, अगर मैं देख लूँ कि पिन पहले सेंटर, इसको ये अगर सेंटर हो गई तो फिर इसकी पिन भी अंदर चली जाएगी, ये अंदर चली गई। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं और बताता जाऊँ कि इसकी जो मैगज़ीन कैच है निकालने के लिए, ये इसके दो किस्म के हैं। एक ये है जो आम राइफ़ल्स के अंदर होता है कि इसको अगर आप करते हैं तो ये मैगज़ीन आपकी बाहर आ जाती है, लेकिन एक पिस्टल की तरह का इन्होंने कैच लगाए हैं दूसरी तरफ। ये देखिए, ये बटन लगाया हुआ है जो अक्सर पिस्टल्स के अंदर होता है, आपने इसको अगर इसको प्रेस करते हैं तो भी ये मैगज़ीन बाहर निकल आती है। बहुत अच्छा पिस्टल है, इतना वज़नी भी नहीं है और इसका बहुत ही दिखने में भी इसकी आउटलुक भी बहुत अच्छी है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, जो नए दोस्त आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।